गूगल का बात को भरोसा मत मानना, मैप से गाड़ी मत चलाना, ठीक है। ये होता है आदमी जब शादी करता है ना, औरत की एक बार मांग भरता है, और औरत शादी के बाद डेली मांग भरती है। ये भी बात सही है, लो जी क्या भाई की जय। 1 2 3 और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से हरिद्वार। हरिद्वार से अपन जाएंगे सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग से फिर अपन जाएंगे गौरीकुंड, गौरीकुंड होते हुए जाएंगे केदारनाथ। और उस बीच में मेरे को हरिद्वार जाते जाते एक भैया मिल गए। भैया आपका शुभ नाम क्या? दिलसाद भैया, ठीक है। ये मेरे को मिल गए हरिद्वार जाते जाते साथ। मैं अकेला जा रहा हूँ तो भाई भी मिल गए। अब चलते हैं इन्हीं के साथ हरिद्वार चलते हैं, बोल रहे हैं 4-5 दिन मेरे साथ स्टे कर लेना करके। मैं बोला नहीं भैया, अभी सीधा चलते हैं और मैं आपको जाते जाते वहाँ का व्यू दिखाता हूँ, पूरा व्यू क्या है करके कैसा है। फिर चलते हैं अब सीधा हरिद्वार। और सो गाइस, इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया, लगभग 2 से 3 घंटा हो गया। और मैं फिलहाल अपने घर में भी नहीं बताया कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ करके, और रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म मैं अभी सेंड किया हूँ घर में, क्योंकि उसमें लीगल तौर पे रहता है ना कि कोई इमरजेंसी के केस पे ऐसा ऐसा करके, तो मैं अपने पापा का नंबर दिया हूँ ऐसा वाला। तो अभी रजिस्ट्रेशन में फॉर्म में भेजा हूँ कि देखो करके, अब देखते हैं उनका रिएक्शन क्या रहता है। लड़का तो केदारनाथ निकल रहा है इधर सीधा, चलो वहाँ भी दर्शन वर्शन करते हैं, फिर घूमते हैं थोड़ा और, देखते हैं क्या है जगह एक्सप्लोर करते हैं। ओके, तो ट्रेन तो आ गया फिलहाल, आगे कोई दूसरा ट्रेन आया है, अब देखते हैं आगे चलते हैं। ट्रेन लगभग 3 घंटे लेट था, 3 घंटे स्टेशन में रुकने के बाद अभी आया, जस्ट पीछे देख रहा हूँ कि ट्रेन अभी आया है, और अभी बैठ के निकलते हैं अपन सीधा हरिद्वार के लिए। फिलहाल थोड़ा सा टायर्ड टिप का लग रहा हूँ, 3 घंटा वेट करना समझ रहे हो बहुत। फिर वहाँ से चलते हैं अपन, कैरी ऑन करते हैं लगभग, चलो गो केदारनाथ। भाई ट्रेन तो मिल चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, देख लो सामने उधर। अंदर 2 मिनट घुसते ही साथ पसीना पसीना हो चुके थे। फिलहाल मैं बोला कि यहाँ पे खड़े हो जाते, कुछ टाइम खाली होगा फिर जाके उधर बैठेंगे, देखेंगे। सो गाइस, पेंड्रा रोड पहुँचने से पहले मैं एक स्टेशन पे रुका हुआ था, जहाँ पे मैं वीडियो डाला था पिछले ब्लॉग में, देख लेना, जहाँ पे मैं भूल के पेंड्रा रोड पहुँच गया था। आज आके फिर वही स्टेशन पे रुका हुआ है ट्रेन, तो अलविदा बोल देते हैं। आ रहा भाई, बैठ के आया साथ में मेरे से। बाय बाय भाई, बाय बाय साथ। आगरा में कितना बड़ा बड़ा समोसा मिल गया, रिटर्न होते होते ना शायद तक ऐसा कुछ प्लान जम सकते कि अपन आगरा के प्रेम मंदिर कवर करते हुए जाएं। आप लोग कमेंट कर देना एक बार, कमेंट करोगे तो देखते हैं एक बार जाएंगे ऐसे ही करते। तो गाइस, समोसे वाले भैया को इस तरह से जगह नहीं मिला, तो इस तरह आ गए, इधर से बेचना चालू कर दिया। लिया पेठा, आगरा का मशहूर ड्राई फ्रूट। फिलहाल मेरे को मीठा चीज़ तो पसंद नहीं उतना ज़्यादा, मैं
अवॉइड करता हूँ, मैं अपने लिए अवॉइड करता हूँ। फिलहाल आप लोग अपना खा सकते हो, जो भी जैसा आप लोगों को पसंद हो बस खा लेना, मेरे को तो नहीं है इसलिए मैं नहीं खा रहा। फरीदाबाद से रह गया कुछ 400 किलोमीटर दिखा जाएगा यार, 5 से चलता है। अरे जम्मू कश्मीर में इतना ठीक। किसका गाड़ी है भैया? मेरे नाना का। नाना गाड़ी ऊपर चढ़ रहे हैं, नाती नीचे नाना ऊपर। देख रहे हो भाई कितना किच किच हो रहा पीछे। शंकर भगवान की जय, नीलकंठ महादेव की जय, गणपति महाराज की जय। बैठो देख रहे हो गाइस ट्रेन में कितना हल्ला हो रहा है, ये जयकारे लगाए जा रहे महाकाल। इससे अच्छा उधर बैठा, थोड़ा उधर को फोन हो जाएगा। सो गाइस पहुंचते लिटरली बहुत समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा ही टायर्ड हो चुका हूँ समझ रहे हो। अभी जस्ट थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके मुँह धो के आया हूँ और बैठा हूँ, और फिर उसके बाद लगभग अभी भी पहुँचने में लगभग 3-4 घंटा का अप्रॉक्स टाइमिंग है। 2 बजे से 3 बजे के अप्रॉक्स पहुँच जाएगा केदारनाथ। केदारनाथ से नहीं, केदारनाथ हरिद्वार पहुँचेगा। हरिद्वार से देखते हैं कोई नीलगंगा कुछ ऐसा नाम का जगह है, वहाँ पर भी जाके एक्सप्लोर करते हैं क्या है जगह, कैसा है करके। बाकी वीडियो टैटू कहाँ पे बनवाना चाहिए बताओ? अरे आप चेस्ट में बनवाओगे तो? चेस्ट में तो बाल है भैया, चेस्ट में ना फिर मुझे बार बार वो करना पड़ेगा इसकी रिलीज करने से। सेविंग 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 समझ रहे हो, पूरा हनुमान टाइप का दिखते हो भी आप एकदम, लेकिन समझ रहे हो लगते कि नहीं भी हनुमान भक्त। जुगाड़ कर ले कर ले क्या क्या, एक बार अंकल पूछो ना, क्या पूछो? कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा मॉडिफाई होती है? कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा मॉडिफाई होती है? कौन सी जगह होती है? बताओ। गैराज में होती है। गैराज में? गैराज में तो कौन सी जगह? आपने ये नहीं पूछा कौन से राज्य में होती है? राज्य में पूछा। हाँ ठीक, राजस्थान में। आप बताओ। सबसे ज्यादा साउथ में बेंगलोर में। बेंगलोर में? केरला? करेक्ट बोल रहे। केरला ना नहीं, बेंगलोर कर्नाटक। कर्नाटक अल्टो 800 लेके जाना है भैया सब। जितने आपको जान से भाई जो कॉस्टली से कॉस्टली गाड़ी है ना, हाँ हाँ, वो मॉडिफाई मिलेगी तो बेंगलोर में मिलेगी। अन्ना अन्ना लोगों के पास इतना मोटा 500 इतना मोटा मोटा तोला पहन के घूमते हैं, लुंगी पहनकर, बनियान पहनकर, व्हाइट शर्ट डालकर, पता है पागल से। और सोना क्या पता अंकल, आपके पास भी पैसा हो इतना, समझ रहे हो ना, आपके पास भी पैसा अंकल। ये बोलो पैसा बंद हो चुका है, अब चल रहा है रुपया 2002 में पैसा बंद हो चुका है, अब चले बोलो आप। 2002 में पैसा बंद हो चुका है, रुपया चलता है। अंकल मैं बोल रहा हूँ बैंगलोर में तो जैसे आप बताए ना, रोड पे रहा हूँ, रोड पे तो कबाड़ी रहते हैं। अरे यार अभी कबाड़ी मान लो ऐसे ऐसे में अंदर से दिल का बहुत कमजोर हूँ, आपके सर पे पड़ जाऊंगा। आप बताओ लॉजिक है, हमने सोचा भी नहीं। देखो आप बुजुर्ग आदमी हो, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप बताओगे कि आप तो हमारे दिमाग में नहीं आए, पढ़ने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोंग अच्छा, लोंग पहनने भी जाती है, औरतें पहनते, मैंने बोला था पहले लोजी क्यों थी। लोंग सब्जी में भी डाली जाती है। आग को आग लगा
और गूगल क्या है उसके बाद में है ना, गूगल क्या है ये आज कल चला है, कल चला है। मैं पे मेरी गाड़ी नहीं लेके जाता हूँ समझ रहे हो, तो गूगल का बात को भरोसा मत मानना, मैप से गाड़ी मत चलाना ठीक है। मैं आज तक नक्शे से कहीं नहीं गया, कहीं भी नहीं गया। ऐसा बोला है कि नवा नौ दिन पुराना सौ दिन, बिल्कुल ठीक है ठीक है। बाबे मर्द जो होता है मर्द वो जिंदगी में एक बार करता है, औरत रोज करती है, इस बात में भी लॉजिक है बताओ आप। वो यार वीडियो बना रहे हैं, कोई बात नहीं बाबा बोलो ना। मर्द एक बार करता है जिंदगी में, सही पूछा है इन्होंने, ध्यान भी है। बात भी पूछ रहा हूँ, कोई शायद हो मेरे भी लॉजिक है, इसमें भी लॉजिक है तो बता दे। एक बार इनको सवाल रोज करती है, सवाल दोहराने बोल रहे भैया, सवाल दोहराने बोल रहे हैं, सवाल दोहराने बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मर्द एक बार करता है, औरत रोज करती है, औरत उस चीज को रोज करती है। है ये मेरा सुना बताऊंगा मैं, आप उम्र दराज आदमी हो अंकल, बताऊंगा थोड़ा आपको देता हूँ 10 मिनट। कौन बनेगा करोड़पति में, 5 लाख का सवाल, 1 करोड़ का सवाल। अब यहाँ जितने बंदे बैठे हैं कोई जवाब दे दे, अरे तो अभी अभी तो आपका बोलना हुआ था ना, पुराना चावल होता है, हम तो नया चावल है, पुराना चावल तो है नहीं, तो अबे कम से कम एक बंदा तो है आज पुराना चावल तो बता। अरे भाई 1800 के है वो, बता देंगे। ये होता है आदमी जब शादी करता है ना, औरत की एक बार मांग भरता है, और औरत शादी के बाद डेली मांग बढ़ती है। ये भी बात सही है, लॉजिक है भाई, हम वही बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं। मैंने भी सिंगारी खाई है, बैठ के बता रहे हो ना ठीक, तो पुराने चावल में गिनती है कि नए चावल में गिनती है। नहीं मैंने भी सिंगार बताया, मैंने सिंगार भी बांग्लादेश को अलग करवाने वाले हैप्पी डे हकीकत में 4/70 का जन्म है मेरा बेटा। हां तो 50 साल का चाचा ने समझ लिया, तुम्हारा बर्थडे इसलिए मनाया जाता है कतर में, एक बार और नीलकंठ महादेव की जय। सबको मिलेंगे, देखने से नींद आती है, जब देख पड़े तो नींद आती है। चाचा थोड़ा देरी ज्ञान दिया, उसके बाद जाके सो गए। चाचा लेट मामा टपक जाओगे, टपक जाएंगे तो क्या होगा। या ताई चाचा पहली बार तो शरण और कोई लड़का नहीं था। सो फाइनली गाइस हरिद्वार पहुंच चुका हूँ, स्टेशन का हालत कुछ ऐसा है, सुबह 4 बजे ऐसा वहां से मैं उतरा और यहां से मैं सीढ़ी चढ़ा और वहां से उतरना है अपने को, आगे मैं दिखाते रहता हूँ। फिलहाल अभी ट्रैवलिंग का ब्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म होता है, चैनल में जुड़ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब अगले जो ब्लॉग चलेगा अपना केदारनाथ सीरीज चलेगा पूरा, जिसमें जैसे जैसे करके अपन केदारनाथ जा रहे हैं जो भी, और फिलहाल तो अपने को हरिद्वार ही पूरा कवर करना है, पहले हरिद्वार कवर करेंगे फिर उसके बाद केदारनाथ निकलेंगे ठीक है गाइस, चैनल जुड़ रहे हैं।